सुरेंद्र चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, रोहित रोहित मेहरोलिया जी बैठी है, बैठी है सही राम पहलवान जी, विजेंद्र जी बैठी है, बैठी है रोहित मेहरोलिया जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, प्रवीण जी, सभी विपक्ष के साथियों को आज पूरा दिन के लिए बाहर किया गया है। और जैसा मैंने सदन के पहले दिन शुक्रवार को भी कहा था, सदन की कार्यवाही अति गंभीर मुद्दों के लिए बुलाई गई है। विपक्ष के साथियों को साथ ना देने पर सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए आज पूरा दिन के लिए मैंने बाहर का रास्ता दिखाया है। और सत्ता पक्ष के साथियों से भी मेरा निवेदन है, कार्य सूचीबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके से अपने वक्तव्य को रखें, नहीं तो फिर मुझे आपके लिए भी इस तरह के कोई कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि आज इतना अहम विषय कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इस सदन में चर्चा होनी है और विपक्ष का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, वो डिस्कशन करना ही नहीं चाहते, वो केवल सदन की कार्रवाई को डिसरप्ट करना चाहते हैं, वो केवल ड्रामेबाजी करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने पूरे, मुझे लगता है टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा होगा, लोग देखेंगे कि कैसे लोगों को वोट दे दिया हमने, ये क्या करते हैं सदन के अंदर बैठ के, चर्चा ही नहीं करते ये लोग, बात ही नहीं करते ये लोग, नौटंकी करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इतने गंभीर विषय वाले दिन भी इन लोगों ने इस तरह की गंदी राजनीति और छोटी राजनीति करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे, लोगों को कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जो कि एक टाइम की उन्होंने सब्जी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं, कई लोगों ने दूध कम कर दिया। पूरे देश के अंदर आज महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ लोगों को ये लगता है, जब लोगों से पूछो कहते हैं जी अपने आप हो रही है महंगाई, अपने आप हो रही है महंगाई। महंगाई अपने आप नहीं हो रही, महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया हर चीज में, इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया 75 साल में, आज तक अभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया 75 साल में, कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था खाने पीने की चीजों पे, तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। इस वजह से चीजें महंगी हो रही है, इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर आज ये लोग टैक्स कम कर दें ये सारा, तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी। गुजरात के मेरे दोस्त बता रहे थे, और तो छोड़ो, इन्होंने गरबा जो डांस है, गुजरात की जो संस्कृति है, पूरी दुनिया के अंदर गरबा डांस के नाम से गुजरात जाना जाता है, गरबा डांस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। नवरात्रे के टाइम पे लोग जब देवी की पूजा करते वक्त देवी के सामने गरबा डांस करते हैं, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। उसको भी नहीं छोड़ा, देवी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, गरबा डांस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स के रेट बढ़ा दिए, नई नई चीज़ों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के खाने पीने की चीज़ें उस पे टैक्स है। इस वजह से महंगाई हो रही है, जो जनता को गलत फहमी है कि हमारे महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही, इन लोगों ने अनाप शनाप टैक्स लगाया, इस वजह से महंगाई हो रही है। एक प्रश्न ये उठता है कि इतना टैक्स लगा दिया तो लाखों करोड़ों अरब खरब रुपए इनके पास आ रहे हैं, खरबों रुपए अरबों रुपए, ये पैसा जा कहां रहा है, ये सोचने की बात है। इनके कुछ चंद अरबपति दोस्त हैं,
उन अरबपति दोस्तों ने, वो अरबपति नहीं खरबपति दोस्त हैं इनके, उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए। किसी ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, किसी ने 10,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 15,000 करोड़ का कर्जा लिया, किसी ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया। इन्होंने कर्जे लिए बैंकों से, इनके दोस्तों ने। कर्जे लेने के बाद इनकी दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कुछ भी कर करा के अब ये कर्जे रफा दफा कराओ ताकि देने ना पड़े। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को, कर्जा वापस करने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास संपत्ति है, अभी भी अरबपति खरबपति हैं ये सारे। लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई, इन्होंने जाके इनको बोला, सारे अरबपति दोस्तों ने इनके, कि हमारे बैंकों के कर्जे माफ करा दो। और इन्होंने एक एक करके बैंकों के कर्जे माफ कराने, इनके सबके दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के अंदर केंद्र सरकार ने खुद ये बयान दिया है कि पिछले 5 साल में हमने अरबपतियों के 10,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करे हैं। 10,00,000 करोड़ रुपए, 10,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे। किसी के 7,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 15,000 करोड़ माफ कर दिए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक किसान ने बेचारे ने 50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है, उसकी जमीन कुर्की कर देते हैं ये, उसका कर्जा माफ नहीं करते। एक बेचारा स्टूडेंट पैसे लेके कर्जे लेके अपनी डिग्री करता, उसके कर्जे माफ नहीं करते, उसके पिताजी की जमीन कुर्की कर देते हैं। एक बेचारा किसी ने, मिडिल क्लास का आदमी है, उसने एक गाड़ी खरीद ली कर्जा लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता, ये गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं। अगर एक मिडिल क्लास वाले ने घर खरीद लिया, लोन लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता, उसका घर जब्त कर लेते हैं, उनको नहीं छोड़ते बेचारे, मिडिल क्लास वाले को नहीं छोड़ते, स्टूडेंट को नहीं छोड़ते, किसान को नहीं छोड़ते। इन्होंने अपने दोस्तों के, अरबपति खरबपति दोस्तों के 10,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। क्या होता है, इनके यहां कोई एक दोस्त आया, बोला जी मेरे 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, हाँ भाई दही पे टैक्स लगा दे। फिर दही पे जितना टैक्स आता है उससे एक दोस्त के कर्जे माफ। फिर दूसरा दोस्त आता है, मेरे जी 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। फिर कहते हैं हाँ भाई छाछ पे टैक्स लगा दे। फिर वो छाछ से जितना पैसा आता है उससे दूसरे दोस्त के कर्जे माफ। ये ठीक है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। आज अगर ये लोग अपने दोस्तों के कर्जे जितने माफ करें वो रिकवर कर लें, इस देश से महंगाई दूर हो सकती है। एक अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारे देश से, आपने पिक्चरें देखी होगी, वो कौन सी वाली थी, लगान, और भी इस तरह की कई पिक्चरें आई जिसमें मार मार के, कोड़े मार मार के लगान ले रहे हैं लोगों से। वो लगान लेते थे, अत्याचार करते थे, और वो लगान लेके टैक्स लेके हमारे देश पे खर्च नहीं करते थे, वो सारा पैसा इंग्लैंड ले जाते थे। और अब उनके बाद ये अंग्रेज आए हैं, ये भी खूब खून चूस रहे हैं जनता का, खूब टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स आपके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपके स्कूल नहीं बना रहे आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अस्पताल नहीं बना रहे, आपके लिए बिजली नहीं कर रहे, आपके लिए सड़कें नहीं बना रहे, आपसे टैक्स ले लेके ये सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं। इसलिए महंगाई हो रही है कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हो रहा है, कभी सोचा हमने? रोज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं और हमारे देश में दाम बढ़ते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कहीं ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, हमारे यहां महंगा क्यों मिल रहा है? पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है इन लोगों ने, इतना टैक्स लगा रखा है। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाता है ऑपरेशन लोटस पे। ये क्या है ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस है अलग अलग राज्यों के अंदर ये लोग एमएलएज को डरा के, एमएलएज को खरीद के, और उससे ये लोग सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। खूब पैसा देते हैं। दिल्ली के अंदर तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर तो हम खुद भुक्तभोगी हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलएज को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर, हमारे एमएलएज को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलएज ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ और
इनका टारगेट था 40 एमएलए लेने का, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। लेकिन दिल्ली के ये सारे एमएलए ईमानदार हैं, इनको पैसे का लालच नहीं है, इसलिए कोई नहीं बिका। दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी, और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। कैसे गिराई ये सरकारें? हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते हैं, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए। और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6,300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अगर कहीं किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम दे के आते हो, भरवाने जाते हो लाइनों में खड़े होके पैसे, वो सारा पैसा वो एमएलए खरीदने में गया। जहां भी सरकार, अब झारखंड की सरकार गिरेगी, देख लेना आने वाले अगले 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो। और वो दाम बढ़ेंगे किस लिए? झारखंड के एमएलए खरीदने के लिए, दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए। ये सीधा सीधा लिंक है जो आज लोगों को समझ में आने लगा है। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6,300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे, और लाल किले पे खड़े होके कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको, एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो, एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहूं के ऊपर, उसके आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया, उसके उससे तुम अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरते हो, हाय लगेगी तुम्हें गरीबों की। अगर आज ये एमएलए खरीदना बंद कर दें, आज ये अरबपति दोस्तों के कर्ज करना माफ कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं देश से महंगाई खत्म ना हो जाए तो देश से तुरंत महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिया भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढेला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए? भाई मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए, हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जिन जहां जहां इनकी सरकारें हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का, हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज्यादा बना दिए। तो अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म, गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा भाई गिरफ्तार तो करेंगे, लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। अब ये इनका नया शगुफा शुरू हो गया। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है, जी जरूरत है ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया,
कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका, एक भी खरीद के दिखा दो हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। वैसे तो सदन इसलिए लगाया जाता है कि उस पर बहस हो पाए, और जब इन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के ऊपर कुछ सवाल उठाए तो हम चाहते थे कि ये सदन में आके कुछ बात करें, कुछ बहस करें, लेकिन आपने देखा कि 26 तारीख को भी ये ऐसे ही भागे, आज भी ये आते ही भाग गए,